Morning, student. How are you? I hope you are good. I'm your drawing teacher. आज हम करेंगे ड्राइंग, और इससे पहले भी हमने आपको कुछ बताया था कलर करने के लिए आपको, लेकिन आपने कलर किया है या नहीं किया है, क्योंकि आपने ना वर्कशीट भेजी ना मुझे पता कि आपने कंप्लीट किया या नहीं किया। मैंने आपसे बोला था कि आप संडे को इसकी पिक्चर मेरे पास भेजेंगे, इससे पता चलेगा कि आपने कंप्लीट किया है या नहीं किया है। बट जिन बच्चों ने नहीं भेजा है फोटो, इसका मतलब उन्होंने कंप्लीट नहीं किया है, तो वो मैं खुद ही जान गई कि जिन बच्चों ने नहीं भेजा है इसका मतलब उन्होंने इस चीज़ को कंप्लीट किया ही नहीं है। तो और जिन बच्चों की फ़ोटो आई है उन्होंने सीखा भी है और कंप्लीट भी किया। एंड कीप इट अप बच्चों, जिन्होंने किया है और जिन्होंने नहीं किया, किस रीज़न से नहीं किया है, मान लीजिए अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम थी, आपने इसको कंप्लीट नहीं किया है, तो आपको फिर चांस दे रहे हैं हम। अब जो आपको बता रहे हैं वो आप नेक्स्ट संडे को ज़रूर सेंड करिएगा, जब पता लगे कि आपको इस बार प्रॉब्लम थी, इस वजह से आपने सेंड नहीं किया है। ये कलर करना बताया था, अब फिर मैंने आपको फिक्स बताया था कलर करना, ड्रॉ करना। आज जो हम आपको बताएंगे वो है एप्पल। एप्पल को क्या करना है, हमें कलर करना है वाटर कलर की सहायता से। अब वाटर कलर और कॉटन की सहायता से हमको इसको कलर करना है, तो हम जो कलर करने वाले हैं उसके लिए हमें जो चाहिए वो है कॉटन रुई, एंड हमको चाहिए वाटर कलर जो हमारे पास आसानी से है। तो इन दोनों चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमें इसमें ब्रश का कोई काम नहीं है। और आप अभी सेकंड क्लास में हैं, तो आपको ब्रश चलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। आप सीख जाएंगे तो नहीं होने वाली, लेकिन जब तक आप नहीं सीख रहे हो तब तक तो आपको मैं बताऊंगी कॉटन की सहायता से कलर करना बहुत इजी है। इसके लिए आपको एक कॉटन का टुकड़ा चाहिए, हमें इसमें दो कलर यूज़ करने हैं, एक रेड और दूसरा ऑरेंज। अप्लाई रेड एंड ऑरेंज वाटर कलर ओवर द पिक्चर विद कॉटन एंड कलर द कंप्लीट पेज। आपको जो ड्रॉ किया गया है पिक्चर उसके ऊपर उसके बाहर आपको कलर करना है, उसके लिए हमें कॉटन चाहिए और दो कलर हमें यूज़ करना है। तो हमें दो बॉल्स चाहिए कॉटन के, तो हमने कॉटन के बॉल्स बना लिए। ऐसे हम कॉटन से बॉल्स बनाएंगे से। उसके बाद हम इसको कंप्लीट कैसे करेंगे, हमें पहले यहाँ एप्पल को ड्रॉ करना है, जो मैंने एक किया हुआ है, लेकिन आपकी बुक में जो है वो तीन दिया गया, तो हमें तीन कंप्लीट करना है। थ्री एप्पल्स को ड्रॉ करना है कॉपी में, लेकिन मैंने यहाँ आपको बताने के लिए केवल एक ही किया है, तो ये देख के मत रह जाइएगा कि मैम ने एक किया था तो मुझे भी एक ही करना है। आपको बुक के अकॉर्डिंग चलना है, तो बुक में अगर थ्री है तो आपको कॉपी में भी थ्री ड्रॉ करना पड़ेगा। हम आपको बताएंगे कलर करना, तो कलर करने के लिए हमें कॉटन का बॉल्स चाहिए और वाटर कलर चाहिए। अब हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं ये हम आपको बताते हैं। इसके लिए हमें ऑरेंज कलर, हमने ऑरेंज कलर लिया है और रेड कलर लिया है। इस कलर को हम कैसे यूज़ करते हैं ये हम आपको बताएंगे। एक बॉल्स में हमने लगाया ऑरेंज कलर, एक बॉल्स में हमने लगाया ऑरेंज कलर, ओके, ऑरेंज कलर लगाया हमने। यहाँ लगाया ऑरेंज कलर हाफ पे, ओके, ऐसे हमने कर लिया इसको ऑरेंज कलर से। उसके बाद दूसरे बॉल से हमने रेड कलर लिया और रेड कलर को अप्लाई किया, हमने रेड कलर को अप्लाई दूसरी जगह से किया। वाटर लगाएंगे
हमें क्या करना है कि हमें इस तरीके से कॉटन का यूज करना है इस पे, जिससे हमने जो ड्रॉ किया है वो चीज हमें दिखाई दे। तो वीडियो में नहीं बता सकते हम, लेकिन हमें यहाँ पे चीजें दिख रही हैं। तो हम इसको फिर से उभारने के लिए, तो आपको भी दिखाई दे, हमने इस पे हल्की हल्की हमें पेंसिल चलानी है। से बाद में क्या होता है कि हमें इस पे कलर करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, हमने जो पहले बनाया था वो है, और इससे भी ज्यादा इजी है, आप पहले उस पे स्केच चला लीजिए, इस पे आउटलाइन कर देंगे। इससे क्या है कि हमारा दिखने लगेगा कि हमने उस पे ड्रॉ क्या किया है। हमने इस पे हो गया हमारा एप्पल ड्रॉ। तो एक चीज हमें करनी है इसमें, हमें इसमें ग्रीन कलर यूज करना है। तो अगर हमें वाटर कलर यूज करना है तो वाटर कलर कॉटन की सहायता से कर सकते हैं, अदरवाइज हम इस पे स्केच यूज करेंगे। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि आप जो है इस पे कॉटन ही यूज करिए, इससे क्या है कि इक्वली आपका कलर सेम दिखेगा। तो इसके लिए हमने फिर से बॉल लिया कॉटन का, कॉटन के लिए वो हमने लिया ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर में हमने इसको डिप किया, हमने इसमें डिप किया, फिर हम इस पर अप्लाई करेंगे। हमें कोई ब्रश का यूज नहीं करना है, सारी ड्राइंग जो हमें करनी है वो है कॉटन की सहायता से करनी है। फिर हमें कॉटन का बॉल लेना है और इसमें ब्राउन कलर अप्लाई करना है। और हमें ब्राउन कलर जो है वो यूज करना है डार्क कलर बना के। फिर हम कॉटन लेंगे, सारे वेस्ट कलर को निकालेंगे। अब इसे सूखने देते हैं, जब ये सूख जाएगा तो इसके ऊपर हम फिर से एक बार ऑरेंज और रेड कलर का यूज करेंगे।
जैसा आपकी बुक में दिखाया गया है कि हम केवल आपको ऑरेंज और रेड कलर यूज करना है, लेकिन आपको ग्रीन कलर नहीं लिखा गया, फिर भी इसकी लीव में क्या हमने ग्रीन कलर यूज किया? क्योंकि इसकी लीव में ग्रीन कलर यूज हुआ है, तो आपको सिंपली कलर यूज करना है, बहुत ज्यादा कलर यूज नहीं करने हैं। और आप इसको बुक में मत कंप्लीट करिएगा, क्योंकि बुक में कंप्लीट करेंगे तो आपका जो है अदर पेज, पीछे का पेज सारा गंदा होगा। आप इसको कॉपी में ड्रॉ करके करने की कोशिश करिएगा। और इसको पहले हमने जो नहीं किया है, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं, इससे क्या होगा कि आपकी कॉपी गंदी नहीं होगी। आप इसके चारों तरफ जो है लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। लाइन ड्रॉ करने के बाद जैसे आपके बुक में दिया गया है, कुछ करना नहीं है आपको। एक कॉटन लेना है, कॉटन में क्या करना है, ऐसे कलर को डिप करना है। और कलर को ऐसे डिप करने के बाद आप जो ऐसे बॉक्स बनाए होंगे, उस बॉक्स में आपको केवल स्टाइल्स में आपको ऐसे बॉल्स आपके सही बने होंगे तो आपको ऐसे लगा देना, और कुछ नहीं करना है। इससे पता क्या चलेगा कि आपने कॉटन का यूज किया और कॉटन पेंटिंग आपने ड्रॉ किया। अब इसको सूखने के बाद हम वही चीज जैसे हमने आपको बताया है, वही चीज आपको फिर से इसमें अप्लाई कर देना है उस कलर को। और इससे भी अच्छी कॉटन जो पेंटिंग होगी वो आपको बताई जाएगी, लेकिन इस आपको आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैंने बताया, जो बुक में इजिली दिया गया है वो आप पहले कर लीजिएगा, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा आप। जो आपका वर्क है वो वर्क यही है कि आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और 15 कलर्स नेम आपको कॉपी में लिखना है, ये आपके ड्राइंग का वर्क है तो 15 कलर्स नेम आपको ऐसे इजिली, इससे ज़्यादा ही याद होंगे, लेकिन आप ओनली 15 कलर जो है वो लिख लीजिएगा कॉपी में, और उसकी उसकी जो है पिक हमें सेंड करिएगा। ओके, थैंक यू।